वेलकम टू हर्फ, अ प्रोजेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। अगर आपको कोई भी ऑन डिमांड लेक्चर्स या वीडियोस की नीड हो तो आप ज़रूर कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस या हर्फ को बताइए, ताकि हम आपकी वो ज़रूरत को पूरी कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन है पिछले हमारे लेक्चर की। आज का तीसरा लॉ जो है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। बेसिकली केमिस्ट्री का ये तीसरा लॉ ऑफ कंपोजिशन है, जो कि कहता है कि अगर एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, तो जो ऑक्सीजन जिस तरह से नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हुआ वो एक स्पेसिफिक होल नंबर रेशियो होगा। दिस लॉ स्टेट्स इफ टू एलिमेंट्स combine to form more than one compounds, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are then the ratio of the small whole number simple multiple ratio। तो होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल हम NO ले लेते हैं, और NO में अगर आप देखें तो 14 नाइट्रोजन है, 16 आपकी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद 14, 32, 28, 16, 28, 48, 28, 80। अब अगर आप नाइट्रोजन की कंपोजिशन को कांस्टेंट कर दें, इन दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 32 हो जाएगा, इधर 2 से कर दें यहाँ 64 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि NO में आपके पास रेशियो आ गया 28:32, NO2 में आपके पास रेशियो आ गया 28:64, N2O में आपके पास रेशियो आ गया 28:16, N2O4 में आपके पास रेशियो आ गया 28:48, एंड N2O5 में आपके पास रेशियो आ गया 28:80। अब अगर आप इन सब का रेशियो लें, जो ऑक्सीजन है बेसिकली जो कंबाइन हुआ है, तो हमारे पास जो रेशियो बनेगा दैट वुड बी 32:64:16:48:80, 5, 3, 2, 4, 1। तो आपका सिंपली ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज़ 1:2:3:4:5। यहाँ तो आप इसको सिंपली इस तरह से देख लें कि पहले आप देख लें कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितनी ऑक्सीजन है, तो आप उसका फिर आपस में रेशियो ले लें, तो तब भी आपके पास 2:4:1:3:4 आंसर आएगा। अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कार्बन, जो कि ऑक्सीजन में कंबाइन होता है दो तरीके से, ऑक्सीजन के साथ एज अ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 16 है आपकी जो ऑक्सीजन की अमाउंट और इसमें 32 है, तो अगर आप 16:32 करें तो ये आपकी सिंपलेस्ट एग्जांपल होगी 1:2, सिंपल मल्टीपल है ये होल नंबर रेशियो, तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट आते हैं जी बात लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी एक सिंपल लॉ है, ये एक तरीके से एक्सटेंशन है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की। फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक एच कंपाउंड है, वो कार्बन के साथ भी बनाता है कंपाउंड, और आपके साथ वो ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है। कार्बन के साथ बना के वो मिथेन गैस प्रोड्यूस करता है जिसको आप CH4 कहते हैं, और हाइड्रोजन के साथ वो पानी बनाता है जिसको आप हाइड्रोजन कहते हैं। इसके अंदर जो इसका रेशियो है वो है 12:4 या 3:1। इसके अंदर जो इसका रेशियो है वो 2:16 या 1:8। तो अगर आप यहाँ से 3 ग्राम 3 ले लेते हैं सी, और यहाँ से ऑक्सीजन का 8 ले लेते हैं, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो वो 3:8 के हिसाब से कंबाइन होंगे। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लें, तो कार्बन होता है यहाँ पर हमारे पास 12 एंड ऑक्सीजन होता है 32, तो एट द एंड ये बनता है 3:8। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी यही कहता है कि अगर आपका एक एलिमेंट दो एलिमेंट से कंपाउंड बनाता है, तो वो जो दो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में जो कंपाउंड बनाएंगे दैट वुड बी योर सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये जो हमारे दो लॉज थे, इन हवाले से अगर आपको कोई भी परेशानी हो
या कुछ भी आपके सवाल हो तो आप ज़रूर हर्फ से कांटेक्ट करें, और ऑन डिमांड किसी भी लेक्चर की ज़रूरत हो यूनिवर्सिटी एडवांस कोर्सेज में तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस हर्फ।